हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम कंपनी अकाउंट अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर नंबर 8 कवर करेंगे, जिसमें हम शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है कि कंपनी ने किसी से कोई एसेट खरीदा है या उसका बिजनेस खरीदा है, लेकिन उसको कैश देने की बजाय, मतलब किसी को भी पेमेंट करनी है कंपनी ने, मतलब वो तो उसको कैश देने की बजाय कंपनी क्या कर रही है, उसके बदले में उसको शेयर्स दे रही है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन का मतलब जो कंपनी ने पे करना है किसी अदर पर्सन को, और पे किस में फॉर्म में कर रही है, अदर देन कैश, मतलब शेयर्स की फॉर्म में पे कर रही है। तो लेट्स सी केस नंबर 1 कि कंपनी कैसे कैसे कंसिडरेशन अदर देन कैश पे कर सकती है। तो फर्स्ट केस है ऑन अ परचेज ऑफ बिजनेस। कंपनी किसी का बिजनेस परचेज कर रही है, तो उसने बिजनेस परचेज करा मतलब किसी पर्सन की एसेट या किसी कंपनी की एसेट्स खरीदी हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट हो सकता है, लाइबिलिटीज भी पे करी हैं, टू सनवील टेक ओवर करी हैं, टू सनवील लाइबिलिटीज, टू वेंडर मतलब जिससे उसने बाय करा उसको बोलते हैं वेंडर, या कह सकते हैं हम सेलर, जिसने बिजनेस को सेल करा उसको बोलते हैं वेंडर। तो सनवील एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, टू वेंडर। अगर बैलेंसिंग फिगर आती है, अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग, मतलब जब आप इस डेबिट क्रेडिट को मैच करोगे, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड की आती है तो उसको बोलते हैं गुडविल, और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड पे आती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज, टू वेंडर, सिंपल एंट्री ये हुई। और अगर बैलेंसिंग फिगर आएगी तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व, गुडविल डेबिट और कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। ठीक है, तो लेट्स सी एक एग्जांपल देखते हैं। राजन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम अ विकास लिमिटेड, मतलब राजन ने परचेज करा, ही इज अ बायर, ठीक है, और विकास ने सेल करा, ही इज अ सेलर, फॉर अ सम ऑफ रुपीज 2,50,000 पेबल। 2.5 लाख का बिजनेस खरीदा गया, मतलब जो वेंडर को पेमेंट करनी है वो आपने 2.5 लाख की करनी है। एज अ 2,20,000 इन फुल पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंसिस्टेड द फॉलोइंग। जो 2,50,000 है उसमें से 2,20,000 की तो शेयर देने हैं, ठीक है, और बाकी जो 30,000 बचा उसको बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंक के थ्रू पेमेंट कर देनी है। और उसने बिजनेस बाय करा तो एसेट एंड लाइबिलिटीज क्या क्या टेक ओवर करी हैं, प्लांट एंड मशीनरी है 90,000, बिल्डिंग 90,000, डेटर 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20,000 एंड क्रेडिटर 20,000 के। ठीक है, तो फिर जनरल पास करते हैं, जैसे कि मैंने सैलरी एसेट डेबिट करे, तो प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, डेटर डेबिट, स्टॉक डेबिट एंड कैश डेबिट हो गए। टू सैलरी क्रेडिटर्स 20,000 के, क्योंकि लाइबिलिटीज है। टू विकास लिमिटेड, विकास है वेंडर, क्योंकि उसने सेल करा 2,50,000 का अपना बिजनेस उसने सेल करा। जब यहाँ से और यहाँ के टोटल को मैच किया तो 10,000 का डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे, दैट इज कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब ये तो थी कि आप उन्होंने परचेज करा, अब हमने उनको क्या करने हैं, शेयर इशू करने, कितने के लिए, 2,20,000 के लिए कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो वो एट पार भी हो सकते हैं, इशू एट अ प्रीमियम भी हो सकते हैं। तो हमें सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ता है नेक्स्ट एंट्री से पहले। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे आएंगे, कि कितने कंपनी अगर 2,20,000 के इक्विटी मतलब अमाउंट के शेयर दे रही है तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर। तो परचेज कंसिडरेशन जैसे कि थी, कितने के शेयर्स मिलने, 2,20,000 के, तो 2,20,000 और इशू प्राइस जो 10 रुपये अगर एट पार है तो 22,000 के शेयर्स आ गए। और इशू डाटा प्रीमियम, तो 10% प्रीमियम पे इशू कर रहा है, तो 10+10 का मतलब हमेशा फेस वैल्यू की ही परसेंटेज होती है, तो फेस वैल्यू का प्रीमियम कैलकुलेट किया 1 रुपीज़, तो आपके आए 11 रुपीज़। इशू प्राइस कितना होगा, 11। तो फिर वही नंबर ऑफ इक्विटीज ढूंढने हैं आपने, वो कैसे आएंगे, 2,20,000 डिवाइड बाय 11, तो 20,000 के शेयर्स कंपनी ने इशू करे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परचेज की एंट्री, बिजनेस परचेज की एंट्री डालनी पड़ेगी, उसके बाद शेयर्स देनी है। तो शेयर्स देने से पहले हमें नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं, एट पार भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम। एट पार तो सिंपल ही है, वही आ गया 2,20,000 डिवाइड बाय 10 करके 22,000, लेकिन पार प्रीमियम पे जाते वक्त आपको प्रीमियम ऐड करके, यहाँ पे आपने प्रीमियम ऐड करा, यहाँ पे 10 रुपये रखे तो यहाँ पे 10+1 प्रीमियम ऐड करके आपने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स आए। ठीक है, तो एंट्रीज देखते हैं कैसे आएगी। पार के लिए है, क्योंकि विकास किसको मिलने हैं, वेंडर को मिलने हैं,
विकास लिमिटेड कितनी टोटल अमाउंट है वेंडर की, 2,50,000। क्या क्या मिल रहा है 2,50,000 के बदले में? इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, 2 इक्विटी शेयर। कैपिटल टू बैंक 30,000 की आपकी, क्योंकि यहाँ लिखा था 2,20,000 के शेयर्स देने हैं और 30,000 का आपने बैंक ड्राफ्ट देना है, तो 30,000 हो गया। तो ये आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 22,000 शेयर्स यहाँ से आए थे, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 2,20,000। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि हम अगर एट अ प्रीमियम दे रहे हैं तो विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,50,000। ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 बैंक, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम भी है क्वेश्चन में तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने फाइंड आउट किया कि 20,000 शेयर्स कंपनी दे रही है, तो 20,000 × 10 इक्विटी में, 20,000 × 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, तो ऐड ऑन करोगे तो 2,50,000 की अमाउंट भी आ जाएगी। ठीक है, तो केस नंबर 2, कंपनी कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब इशू ऑफ द शेयर्स अदर देन कंसिडरेशन अदर देन कैश कब करती है, एक और केस। केस नंबर 2, इशू ऑफ द शेयर्स टू द प्रमोटर या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कि कंपनी क्या कर रही है, प्रमोटर को मतलब कैश देने की बजाय, जिन्होंने मार्केट में हमारी जो प्रमोशन करी है तो उनको कैश देने की बजाय क्या कर रही है, एक्सपेंसेस, उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ट्रीट करके उनको शेयर्स इशू कर रही है, तो वो भी एट पार एट प्रीमियम हो सकते हैं। तो लेट्स सी एग्जांपल, ए लिमिटेड इशू 2,500 शेयर्स 10 ईच एंड क्रेडिटेड टू द फुली पेड टू द प्रमोटर फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू द इन कॉर्पोरेट द कंपनी, मतलब जब कंपनी एस्टैब्लिश हो रही थी तब उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी है, उसके लिए हम इनको एक्सपेंस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो इसको इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,500 शेयर्स 10 ईच 25,000, 2 किसको पे करने हैं, प्रमोटर्स को, तो 2 प्रमोटर्स अकाउंट 25,000। अब प्रमोटर्स के ये एक्सपेंस थे, इस वजह से पहले ये डेबिट किया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस टू प्रमोटर, ड्यू गया एक तरह का, फिर उसके बाद पेमेंट करी प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि प्रमोटर को कैश देने की बजाय हमने इक्विटी शेयर कैपिटल दिए। ठीक है, 2 एंट्रीज पड़ी, पहले एक्सपेंस ड्यू करे फिर उसके बाद उसको प्रमोटर को पे कर दिए इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल। केस नंबर 3, इशू ऑफ द शेयर्स टू अंडरराइटर्स, उनको हम क्या देते हैं, अंडरराइटर को क्या देते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन। तो केस देखते हैं, इशू 2,000 शेयर्स 10 ईच क्रेडिटर फुली पेड टू अंडरराइटर फॉर देयर अंडरराइटिंग सर्विसेज। ठीक है, तो उनकी भी सर्विसेज के लिए हम उनको अंडरराइटिंग कमीशन दे रहे हैं, सेम वही एंट्री है, देख लो यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस था, यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, क्योंकि 2,000 शेयर्स हैं 10 ईच है 20,000 आ गया, और अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू, मतलब जो अंडरराइटर क्या लेके जा रहे हैं, शेयर कैपिटल लेके आ रहे हैं अपनी कमीशन के बदले में, तो उनको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया 20,000। तो ये 3 केसेस हैं, शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश देने के बजाय हमने उनको शेयर्स दे दिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो इफ यू लाइक आर वीडियोज प्लीज कंटिन्यू विद दस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।